press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका कमरा समय के साथ हमेशा ही अस्त व्यस्त हो जाता है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में सब कुछ इसी तरह काम करता है। चीजें अपने आप ही अस्त व्यस्त या डिसऑर्डर्ड होना चाहती हैं। उदाहरण के लिए इस वीडियो को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो फॉरवर्ड चल रहा है और कौन सा बैकवर्ड? बेशक बाईं तरफ वाला वीडियो फॉरवर्ड है क्योंकि ये गुब्बारा फूट रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रक्रिया के दौरान भी चीजें अधिक डिसऑर्डर्ड हो गईं? पानी के मॉलिक्यूल्स एक अच्छी तरह से व्यवस्थित गुब्बारे की आकृति से निकलकर हर दिशा में रैंडमली उड़ने वाली बूंदों में बदल गए। चलिए इसके बारे में बताइए, कौन सा वीडियो फॉरवर्ड चल रहा है? हर कोई जानता है कि संतरे का रस खुद नारंगी के पल्प में वापस नहीं इकट्ठा हो सकता, इसलिए वो दाईं ओर वाला वीडियो ही होगा। अब इस आखिरी उदाहरण को देखते हैं। तीन गैसों से जुड़ी एक केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ये थोड़ा कठिन है। क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाएंगे, या अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रूप में अलग होगी? ये उदाहरण उतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन इन सबसे जुड़ी एक ऐसी चीज है जो हमें इन तीनों स्थितियों को समझने में मदद कर सकती है। सभी केमिकल रिएक्शंस हमेशा डिसऑर्डर की ओर बढ़ती हैं। फिजिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को एंट्रोपी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो ये बताती है कि चीजें समय के साथ और अधिक डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। साधारण भाषा में एंट्रोपी डिसऑर्डर को मापने की इकाई है, लेकिन ये डिसऑर्डर आखिर है क्या चीज? आइए रैंडमली हिलते हुए इन तीनों डाइसेस को ही लेते हैं और डाइस के ऊपर की संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इसे अभी रोक दें तो 4+3=7, +5=12। हम इसे इस सिस्टम की स्टेट कहेंगे और इसका इस्तेमाल ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझने में करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि सभी डाइस का नंबर है 1, तो हमारी स्टेट होगी 3। ध्यान दें कि इस स्टेट को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी डाइस का नंबर 1 ही होना चाहिए। वहीं अगर हमारा स्टेट है 4, तो इसे पाने के 3 तरीके होंगे। इस स्टेट में स्टेट 3 की तुलना में कम ऑर्डर है, क्योंकि डाइस इन कॉम्बिनेशन में से किसी में भी हो सकता है, स्टेट हमेशा 4 ही होगी। अब स्टेट 5 को पाने के लिए कुल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस स्टेट में पिछले स्टेट की तुलना में और भी कम ऑर्डर है, क्योंकि डाइस का नंबर इन 6 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी हो सकता है, स्टेट तब भी 5 ही होगी। ये उदाहरण डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। किसी भी स्टेट के लिए जितनी अधिक पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं होंगी, वो स्टेट उतनी ही डिसऑर्डर्ड बन जाएगी। ये ग्राफ विभिन्न स्टेट्स और उनसे संबंधित कॉम्बिनेशंस की संख्या को दर्शाता है। अधिकतम कॉम्बिनेशंस हैं स्टेट्स 10 और 11 के लिए, जो कि 27 अलग कॉम्बिनेशंस से प्राप्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, ये वो सभी कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हमें स्टेट 10 मिल सकती है। ये स्टेट सबसे अधिक डिसऑर्डर दर्शाती है। लेकिन ये स्टेट काम क्या आती है? असल में ये हमें बताती है कि एक एक्सपेरिमेंट के किस ओर बढ़ने की संभावना ज्यादा है। यहाँ तक कि जैसे जैसे डाइस रैंडमली घूमती है, उसके 3 या 18 की तुलना में 10 या 11 दिखाने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि 10 और 11 ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट्स काफी स्प्रेड आउट हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल 3 डाइसेस का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर आप इमेजिन करें कि हमारे पास ऐसे 100 डाइसेस हैं, तो पहली स्टेट से लेकर जिसमें सभी डाइस नंबर 1 शो करेंगी, बाकी की सभी स्टेट्स कुछ इस तरह होंगी। डाइस जल्दी ही इन डिसऑर्डर्ड स्टेट से दूर हट जाती है और समय के साथ सिस्टम स्वाभाविक रूप से हाईएस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ बढ़ने लगता है। चलिए अब फिर से अपने कमरे में नजर डालते हैं। इस केस में ऑर्डर्ड स्टेट वो होगी जिसमें हर वस्तु उसके सही स्थान पर रखी होगी। जितनी चीजें अपने सही स्थान पर नहीं होंगी, कमरा उतना ही अधिक डिसऑर्डर्ड होगा। हमारे डाइस की तरह यहाँ भी कई ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें कि कमरा समान रूप से गंदा या डिसऑर्डर्ड होगा। ये हाईएस्ट डिसऑर्डर की स्थिति होगी और समय के साथ कमरा स्वाभाविक रूप से हाईएस्ट डिसऑर्डर की स्थिति की तरफ बढ़ेगा। अंत में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जहां एंट्रोपी हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को समझने में मदद करेगी। यदि आप थोड़ी सी बर्फ को एक ग्लास पानी में डालते हैं और उसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो सारी बर्फ पिघल जाएगी। बेशक आप जानते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि पानी बर्फ से गर्म होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर वास्तव में क्या हो रहा है? बर्फ के मॉलिक्यूल्स एक हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो होती है, लेकिन बहुत कम। यही कारण है कि बर्फ ठंडी होती है। पानी एक लिक्विड है और उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। एक लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए वे पानी की तरह बह सकते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स जब बर्फ से टकराते हैं, तो उसे एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। ठंडे पानी की एंट्रोपी बर्फ वाले गर्म पानी से ज्यादा होती है। हालांकि तकनीकी रूप से पानी के सभी मॉलिक्यूल्स को बर्फ में बदलने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जैसा कि हमने देखा, मॉलिक्यूलर लेवल पर एंट्रोपी के कारण ऐसा नहीं होता। हमारे डाइस की तरह पानी के H2O मॉलिक्यूल्स के पास भी बर्फ में बदलने की तुलना में ग्लास के अंदर खुद को अरेंज करने के कई और तरीके उपलब्ध हैं। यही कारण है कि हीट यानी ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु की ओर बहती है। तो अब हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी हमें फिजिकल प्रोसेसेस के एवोल्यूशन के बारे में बताती है। एंट्रोपी साइंस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का आधार स्तंभ है, जिससे हमें एयर कंडीशनर से लेकर जेट इंजन तक सब कुछ समझने में मदद मिलती है। और वास्तव में एंट्रोपी हमें 3 डाइस के एक साधारण सिस्टम से लेकर अरबों सितारों से बनी आकाश गंगाओं को समझने में मदद करती है।
एंट्रोपी हमें समय की दिशा बताती है। आप जिस भी नजरिए से देखें, हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है।